नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए एक बार फिर से दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है वो सामने निकल के आ रही है। तीसरे पेपर को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या इस बार तीन पेपर आयोजित होंगे, तो इसको लेकर ही आप सबके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा। इसके बाद हमें नोटिफिकेशन और आपकी दोस्तों जो है परीक्षा तिथि के बारे में बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉरम कब से दोस्तों आपके भरे जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस क्या आपका रह सकता है तीसरे पेपर का, तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको सीटेट शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर बात करूँ दोस्तों, सीटेट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपकी परीक्षा का आयोजन हर साल दो बार होता है। जुलाई में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, जुलाई 2022 में एग्जाम होगी, लेकिन उससे पहले इस तीसरे पेपर को लेकर स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूँ, तीसरे पेपर आयोजित करवाया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के सीनियर अधिकारी ने बयान भी दे दिया है दोस्तों, आज ही अपडेट आई कि तीसरा पेपर आयोजित करवा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वहां पर भी अपडेट है। अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो इसमें आपके पास बीएड होना अनिवार्य है 50% अंकों के साथ। वही छात्र सीटेट में कक्षा 9 से 11वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए तीसरे पेपर के एलिजिबल होंगे। तीन पेपर होने पर दोस्तों आप सिर्फ दो एग्जाम को दे सकते हैं, और क्योंकि जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो तो इसके लिए अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो आप पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, किन्हीं दो एग्ज़ाम में से आपको दोस्तों जो तीन पेपर होंगे उनमें से आप दो एग्ज़ाम देने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों जो है छूट रहेगी। बाकी आपका वही रहने वाला है, पैटर्न आपका थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, सिलेबस आपका वही रहेगा दोस्तों। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी या फिर ऑफलाइन, इस पर अभी दोस्तों फैसला आना बाकी है, क्योंकि ऑफलाइन की मांग तेज है। ऑफलाइन में सीबीएसई बोर्ड को भी पता है कि कम खर्चा आता है और समय भी बचता है, इसीलिए ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए एक साथ। इसीलिए दोस्तों पूरे भारतवर्ष में लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। 5 अप्रैल के आसपास आपके ऑनलाइन फॉरम भी चालू हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के पहले सप्ताह में कहा गया था कि नोटिफिकेशन जारी करके ऑनलाइन फॉरम दोस्तों आपके सबमिट करवाए जाएंगे जो मई तक चलेंगे, और इसके बाद जून में आपको इसमें संशोधन का मौका भी दिया जाएगा, और जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड और जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सीटेट की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपके जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। सीटेट को लेकर टेंटिव डेट की बात करूं तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में ही जारी होगा, जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, डेट आपकी नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और सीटेट में तीसरा पेपर होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। 34 लाख फॉर्म भरे गए थे सीटेट दिसंबर 2021 में, रजिस्ट्रेशन हुए थे दोस्तों, लेकिन इस बार आपके और 35 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि और स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। सिर्फ 6,65,000 छात्र ही जो है सीटेट जुलाई जो रिजल्ट आया 9 दोस्तों जो है मार्च को उसमें पास हुए थे। अब अगला सीटेट आपका जुलाई में होगा, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म 5 अप्रैल के आसपास से भरे जाएंगे आपके, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट की बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।